हमने सुख देखना तो हमारा भूपेंद्र भाई का सुख देखना, हमने जनता का सुख तो यू देगा वह थोड़े देंगे। ये ब्राह्मण नु भी कहें पंडित जी हमने वोट नहीं तन दी, हमारी क्यों गेर हो हम तारी नहीं देंगे। अरे वोट हम गेरे नो मांग दे नहीं। ये दो पुजारी हैं, ये कोई नहीं है, किसान है, तब निशान है। भूपेंद्र मलिक की बढ़त मिल रही है और किसान का बेटा है और किसान नहीं करी है, किसान के दुख सबको जानता है। छत्तीस बरादरी मजदूर को किसान को मेरे वर्ग की लड़ाई लड़ने वाला एक भूपेंद्र मलिक है। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में इस सबसे इतिहास जा रहा है भूपेंद्र मलिक यहाँ का। भूपेंद्र मलिक का भाई साहब का एक तरफा मोल हो रहा है, सबसे मजबूत कैंडिडेट है तो आज भूपेंद्र मलिक है। अरे मलिक भाइया ने समर्थन कर दिया है और 90% भाई भूपेंद्र मलिक का न्याय हो लिए हैं। मैं कई गांव में जा लिया, डोर टू डोर भी कर लिया। देख रहे हरियाणा से पेश मऊ आपके साथ रूण दून लोकसभा चुनाव अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका, सभी प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो सोनीपत लोकसभा में किस प्रकार का के माहौल चल रहा हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम भाई साहब? साहब सिंह मलिक। तो मलिक साहब बताओ कि सोनीपत लोकसभा में मैं ऐसा है, भूपेंद्र मलिक जो कैंडिडेट्स है इसको सब सराहें, कांग्रेस वाले भी बीजेपी वाले भी, बहुत अच्छा है, काम भी बहुत ही थी। एक बिना एम एल ए बिने भी इसने जो हर पानी का बहुत इंतजाम कराया, गलौड़ रुकी दुलाने में जुन सिंध को बुलाया, ग्रांट दी किसानों को 50,000 रुपया वहाँ दिया जब किसान आंदोलन कर रहे थे, और उनका खाना गए दिए, तेल गलवाया वहाँ भी थी मदद की। पार्टी अच्छे लेना है हमने, कांग्रेस को बीजेपी कांग्रेस ये जानी जानी पार्टी, तो आदमी को देखो आदमी भूपेंद्र बरगा 24 घंटे मारे गुआना में दिन में भी रात ने भी कोडे पर जाओ काम करने तैयार हो है, आगे चल है। हर एक मंडी में जाया, भैंसवाल की मंडी थी वहाँ की भी मंडी वहाँ टूट गई थी, वहाँ भी सोख दिया भूपेंद्र ने, तो रात ने ठा लो जब भी चल रहे तैयार। लेकिन और जो ये हैं अपना कैंडिडेट उठ रहे हैं, ये जो करे अपना उठ रहा है कांग्रेस का सतपाल महाराज, आज वो सतपाल महाराज को वहाँ ब्याह में आया हो, शादी में आया हो, गोडा नवा को जो जानता हो वो महाराज एरिया जानता हो, आज इतनी दूर से जो भूपेंद्र उड्डन टिकट दे गए एकदम यहाँ ले आया है, वो महाराज दुख सुख में भी काम ना आया। भूपेंद्र है हर शादी में जाता है, ब्याह में जाता है, कन्यादान गालता है, मौत पर भी जब पहुँचे है। हमने सुख देखना तो हमारा भूपेंद्र भाई का सुख देखना, हमने जनता का सुख तो यूँ देगा वह थोड़े देंगे। अरे एक बडोली, वो बडोली में भाई एक बार जीनता हुआ था और हमारा गाँव गया गणिवीर का जुलूस करिए जब बालक प्रदर्शन भैया बंद करो गलत है गणिवीर जो अपना आई थी फौज की भर्ती, वो जीनता आया उसने वहाँ पर फोन करके और वो बच्चे हम केस करवाए, 10 बच्चे आज हमारा गांव में मुकदमा चल रहा है। हम 4 बार गए बडोली द्वारा गांव के 20 आदमी माफ़ी मांगना हाथ जोड़न, बच्चे केस ना कराओ केस, आज वो केस चल रहा है, आज मुकदमा चल रहा है उन पर। क्या उन बच्चों का भविष्य बिगड़ गया क्या? ऐसा फिर आगे क्या करेगा ये नेता? अगर मानना है नेता भविष्य बचाया अगर बच्चे का आगे बिगाड़ा करे। ये ब्राह्मण नु भी कहें पंडित जी हमने वोट नहीं तन दी, हमारी क्यों गेर हो हम तारी नहीं देंगे। अरे वोट हम गेरे नो मांग दे नहीं, तो इतनी दाएँ खुलनी चाहिए। अरे ये 36 जात का काम करने वाला भूपेंद्र दो नहीं जी, भूपेंद्र मनु फर्क यू मेरा वर्कर है कोई, इसका तो ओका पानी पीऊँ चाह पानी पीऊँ, सारा जन आदमियों का लारा लग्या रहे। आज वो ब्रह्मचारी सतपाल ब्रह्मचारी है ये भी है, जब वो बन गया वोटा थे लोग इसकी वोट घेर देंगे तो उस दिन देखियो ये अपने आप में इनू मानेंगे अगर भाई ओ हो धोखा हो गया हमारे साथ, ये तो फिर वो बिघनचारी दिखेगा ब्रह्मचारी दिखे। लेकिन एक बात ये किसान मिले के छोटू राम वाली बात पहचाननी चाहिए। छोटू राम ये कहा करता अपने पराए की पहचान करो, अपना छोटू राम ये कहा करता पराए एक नंबर का रो धान होगा हम क्लियर जीतेंगे। जिला परिषद है सुरेंद्र मलिक, मलिक साहब क्या कहना चाहोगे? मलिक भाई घर दया सुनाईगा तो मलिक अपने भाई के सहक नहीं भूपेंद्र मलिक के। राम राम भाई अरुण भाई, हरियाणा स्पेस के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। भाई यह पुरानी कहावत है वाह अब नई कहावत बना देंगे हम, बिल्कुल सारे मलिक भाइया ने समर्थन कर दिया है और 90% भाई भूपेंद्र मलिक का न्याय हो लिए हैं। मैं कई गांव में जा लिया, डोर टू डोर भी कर लिया, आउलाना खुद मैं गया था, मदीना गया था और भाई आउली गुमाना जसराना रबड़िया जो मेरे ये 12 गांव हैं मैंने लगभग ये सारे डोर टू डोर कर लिए हैं और बहुत ही बढ़िया रुझान है भाई साहब का, दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ चल रहा है। इलेक्शन अभी 5-6 दिन और हैं तो भाई साहब बढ़िया वोट हासिल करके विजयी होंगे।
डी खाप सोनीपत की विरोधी हल्के में भी सबसे ज्यादा काम मिलका के तो भूपेंद्र मलिका के। सबसे पहले मेरा सभी को नमस्कार आपके दर्शकों को। मेरा यू है कहना कि मलिक खाप तो हमेशा एक इतिहास रचती आई है, इतिहास एक बार फिर काफ़ी दिनों के बाद दोबारा रचेगी इतिहास को। जो ये कहा था कि 1991 में किताब सिंह मलिक खड़ा कराया था, ऊपर ना लगा था कि नीचे ऊपर आई नीचे भाई। आज कह रहे हैं मित्र की आवाज़ आ रही है अकेला भाई है, और अकेला भाई ना समझे, इसके सारे इसके साथ सभी भाई खड़े, मलिक भाई खड़े हैं, और यारे पाए खड़े, सब खड़े हैं। 36 बरादरी का 36 खाप का हरेक खाप का समर्थन मिल रहा है, जो कि मतलब के नया इतिहास रचने जा रहा है भूपेंद्र मलिक के स्वयं लोकसभा क्षेत्र में। तो किस तरह उम्मीद है आपने बनाया इतिहास रचेगा, ऐसा क्यों हो गया एकदम? यह है कि मतलब उसको इतना है कि आज तक उसके ऊपर कोई यह कहने वाला नहीं है भूपेंद्र में यह कमी है। भूपेंद्र कोई भी किसी बात आती है, चाहे हल्के की बात आती है, कोई समाज की बात आती है, चाहे गरीब कन्या की बात आती है, लड़की की कोई भी जाती है, तो उसमें वो खड़ा मिलता है। चाहे वो बाढ़ की बात हो, पानी भरने की बात हो, या किसी भी किसी तरह की सहायता की बात हो, भूपेंद्र मलिक ने अपने तर्मंधन से हरेक उसका साथ देता है। चाहे किसान आंदोलन की बात होती है, चाहे किसी तरह की बात होती है, भूपेंद्र अपने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा ले है। किसान आंदोलन में किस तरह साथ दिया? ऐसे दिया था, सबसे पहले हमने हमारे एक थोड़ा खाप का मलकों का चबूतरा है चचराना गाँव में, वहाँ पंचायत करके और समर्थन कर दिया था। ये कह दिया टेंट लगाओ सिंह बॉर्डर जागन, जो खर्चा लगा मैं दूंगा। 51,000 रुपये उस टाइम दे दिए थे उसने, टेंट लगवा दिया था। फिर बैसवान वाला उन्होंने जिले भी सिस्टम कराया आंदोलन में, उन्हें हर बार उन्हें देसी घी पे दिए वहाँ पे। फिर सत्यवान दरबार है तो किसान आंदोलन का जो बना किसान यूनियन का अध्यक्ष है, तो ये कहा बोले मलिक साहब हमने केम पी में वो करना है, ट्रैक्टर मार्च करना है, तेल चाहिए हमने, आप कितनी मदद करोगे? भूपेंद्र मलिक ने कह दिया भाई इतने ट्रैक्टर बता तेरे पास कितने ट्रैक्टर आए हैं? बोले हमारे ट्रैक्टर 50 ट्रैक्टर हैं, सब में तेल गलवाओ। हमारा पंप है सोनीपत मोड़ भूपेंद्र मलिक का, वहाँ ये कह दिया था भाई इतने ट्रैक्टर सत्यवान के नाम से आप सब तेल डालो, तेल डलवाने का काम करा। फिर खेड़ी है, अमृतापुर खेड़ी है, यहाँ के किसान आए सुबह से न्या रहे, बोले जी हमारे तेल चाहिए, उनमें तेल देने का काम करा। हर बार हमसे वो भादरगढ़ गए, हमें सिंह बॉर्डर पर गए, कुंडली बॉर्डर पर गए, सुरंदर रुखी वाला है कि वो भी गया हमारे साथ में, दलबी कुंडवा बेचारा परमात्मा ने वो प्यारा हो गया, उसकी टीम के साथ हम खुद गए। भूपेंद्र मलिक बार बार गया, वहाँ भी जो सहयोग बना हर आंदोलन में दिया सहयोग। नमस्कार जी, बताओ भाई साहब। मैं धर्मवीर काली रामन बावड़ से। आज भूपेंद्र मलिक का भाई साहब का एक तरफा मोल हो रहा है, सबसे मजबूत कैंडिडेट है तो आज भूपेंद्र मलिक है इस पूरा ब्रो इसमें सोनीपत लोकसभा में, क्योंकि अभी उम्मीद तो इसके बराबर में कोई भी कैंडिडेट नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर लोकसभा में चुनाव जीतेगा तो भूपेंद्र मलिक जीतेगा। सर भाई मतलब प्रत्याशी आ गया, ये तो वाह बात है, तो बढ़िया था जमान जबत करा के बाज रही है उत्तराखंड से भी। हाँ। जो आरो से हारेगा ना नकारे और धक्के मार के बता रहा क्या है वो यहाँ का कौन जीतेगा जितने उसने। रही बात इसकी वो देखा है बल्ला मैं थारा अपना हूँ, उन्होंने बोले यहाँ सोनीपत की है, जब तराख बंद कर ली सोनीपत की तरह आया था, सोनीपत डुबो दिया सब क्या है मैं पुत्र अपने छोरे माँ बनकर धरताष्ट्र बनकर काम कर रहा है, बाबू बेटा एक धरताष्ट्र बने दरियोधर बन रहे हैं, जो मतलब इस एरिया का इसने हमेशा खिलवाड़ कराया है। इन्हें मतलब एक अपना परिवार बचाने के लिए इसने पूरी कांग्रेस को बेच दिया, बीजेपी के साथ में मिलकर है, बी टी बनकर उड्डा काम कर रहा है, ये कोई सरोकार नहीं। सिर्फ मतलब ये अपने एक दिखा है भूपेंद्र जी, जो चाहे सारी कांग्रेस चाहे राहुल गांधी मर जाओ, सोनिया मर जाओ, इसने अपना छोड़ आती है बस। तो किस तरह खिलवाड़ कर फिर सोनीपत इसलिए कर रहा है, मतलब बता दो ये अपने मुँह इन कदम उसके साथ चैलेंज करता हूँ उड्डा के मुख्यमंत्री मैं काम कार्य करता हूँ, चैलेंज करता हूँ, कहा भाई डिबेट कर मेरे सामने, उन्होंने बता दिया विरोधी दल के मन यू काम कर सोनीपत में यू अच्छा काम कर रहा है, ये भी बता दो यूँ गढ़गांव की तरह जो है तो हमारा विकास होगा कि नहीं होगा, यहाँ कितने बच्चों रोजगार मिलेगा, यहाँ जाम लगवा पानी भर गया रुचि से रहने में, कई गांव में पानी भरा बाढ़ का जाम लगवा दिया, अब रोड जाम करो, रोड उड्डाण का लगवाया कांग्रेस से तो सी एस गेड़ा का लगवाया, अब रोड जाम करो, रोड जाम करने से पानी उतरेगा। भूपेंद्र मलिक ऐसा अपनी पूरी टीम के साथ में जाकर इंतकाम लेर एक मतलब न्याय करने का काम कर रहा था, तो जेड़ी नशे लिए खड़े थे गलोड़ के आदमी उनको भी मना भाईचारे को मनाकर हम ही भरवा ली थे भाई, ड्रेन खुदवाऊंगे हम, जो 1970 तंत्र 50 साल पुरानी ड्रेन थी, आज आज देखो उसका काम चल रहा है। भूपेंद्र एक बात क्यों कटने के बाद में हम ड्रेन का तो करवा पाए तो बढ़िया काम करें, वो काम करवा चालू हो रहा है। रोड जाम करने से भाई बात है कि आम पब्लिक को परेशान करने वाली बात थी, जो यहाँ का स्थानीय विधायक है उसने रोड जाम करवाया, और भूपेंद्र मलिक ने न्याय उद्धा बने कर खड़ा होकर काम कर रहा था किसान के लिए, जो उनकी फसल भी बचाई और आज गेहूँ भी हुए और आज काम चल रहा है, जाकर वहाँ देख लो ना हमारा समर्थन मिल रहा है हमारे को। हम जिस दिन फार्म भरने गए थे उधर भी इसमें अपना किसान ये धरना दे रहा है यहाँ पर तहसील में, मौसम से पहले किसानों के पास गए थे, उन्होंने हमारा पूरा समर्थन कराया है। ये दो पुजारी हैं, ये कोई नहीं है किसान है, तब भी निशान है
भूपेंद्र मलिक की बढ़त मिल रही है और किसान का बेटा है और किसान नहीं करी है, किसान के दुख सबको जानता है। छत्तीस बिरादरी का मजदूर किसान को मेरे वर्ग की लड़ाई लड़ने वाला है भूपेंद्र मलिक है। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में इस सबसे इतिहास जा रहा है भूपेंद्र मलिक यहाँ का। नाम भाई प्रदीप जी, उनका काम है औलाना। तो बता मलिक साहब के चाल रहा है सोनीपत लोकसभा? बढ़िया चल रहा है भाई, मानना तो गंगा है ना बहता पानी, ठीक है। मानना तो अपना भाई है भूपेंद्र मलिक गए बड़ा भाई है। फिर मान रहे हैं कि नहीं? लोग मान रहे हैं। और फिर जवान है तू, युवा है, युवा में के है? युवा में तो बढ़िया भाई, मैं तो हिसाब में बहन तो पूरा गला रहूं तो शेर के लड़ा लियो भाई। अच्छा हां बढ़िया, बब्बर शेर के लड़ सका भाई। किसके लिए? भूपेंद्र मलिक के लिए, जेजेपी के लिए। हां।